देखिए भाई, प्रभास सर के आधे पुरुष से काफी अच्छी अच्छी खबर आ चुकी है, वो भी उसके रिलीज डेट से रिलेटेड। तो इसलिए आप भी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें आदि पुरुष के बारे में धमाकेदार न्यूज सुनने के लिए। जहां तो पहले ही आपको बता दो, आदि पुरुष सोहालों ने अपना ट्रेलर रिलीज प्लान फिर से बदल दिया है। जो पहले ट्रेलर रिलीज इवेंट हैदराबाद के तिरुपति शहर में होने वाला था, और अब शिफ्ट होके वो इवेंट हमारे नॉर्थ इंडिया में होगा। हाँ भाई, आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज करने पर प्रभास सर 9 मई को मुंबई आने वाले, और वहाँ काफी बड़ा इवेंट भी होगा शाम को किसी स्टेडियम में। और आपको पता ही होगा, प्रभास सर के इवेंट इंडिया में कहीं भी हो तो कम से कम 1000-2000 लोग पहुँच ही जाएंगे अपने रेबल स्टार को देखने के लिए। सो अगर आप मुंबई में हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है अपने डार्लिंग प्रभास को देखने का। खैर, उसके अलावा एक और बड़ी न्यूज सामने आ रही है आदि पुरुष के रिलीज डेट से ही। भाई जैसे कि आपको मालूम ही होगा, अब शाहरुख खान की जवान फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। अब ये फिल्म 2 जून से सीधा 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। लेकिन भाई अब ऐसी रिमर्स सामने आ रही है कि ये जो जवान का 2 जून का रिलीज डेट है, उससे आदि पुरुष वाले धर पकड़ने वाले हैं। मतलब वो चाहते हैं उनकी आदि पुरुष 16 जून के बदले 2 जून को ही रिलीज हो, ताकि उनको पूरा एक महीना तक कोई भी बड़ा क्लैश ना मिले। शायद आप ये नहीं जानते होंगे, अजय देवगन की मैदान फिल्म 16 जून के 7 दिन बाद 23 जून को ही रिलीज होने वाली है। और ये बात पूरे नॉर्थ इंडिया जान गया है। इस समय अजय देवगन एकदम फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार हिट पे हिट दिए जा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। पहले दृश्यम, फिर भोला, और अब उनकी मैदान तो ओरिजिनल कंटेंट है। ये तो और कमाने वाली फिल्म है, और इसलिए आदि पुरुष वाले नहीं चाहते हैं कहीं इनके फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मैदान डिस्टर्ब कर दे। हाँ भाई, जब मैदान आएगी तो पक्का डेली 10-15 करोड़ कलेक्शन करेगी हिंदी में, और ये 10-15 करोड़ कलेक्शन आदि पुरुष में से कटौती होगी। सो भाई, यही कलेक्शन में लॉस ना हो, इसलिए आदि पुरुष वाले प्लान कर रहे हैं अपने फिल्म को 2 जून को रिलीज करने का, ताकि अजय देवगन की मैदान फिल्म उनसे थोड़ा दूर रहे। क्योंकि भाई ऑडियंस की भी लिमिट होती है, वो एक साथ कितना फिल्म देखेंगे, अंत में उनको चॉइस करना ही पड़ता है किसी एक को देखने का। खैर, अब तो इंतजार किया जाए कब मेकर्स आदि पुरुष का रिलीज डेट के रिगार्डिंग कुछ ऑफिशियल अपडेट भेजते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2 जून को आदि पुरुष को रिलीज करना ठीक होगा या नहीं? अपनी राय जरूर देना हमें, और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।